चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे चिकन की एक बहुत ही अलग सी रेसिपी, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और बनाने में बहुत ही ज़्यादा कम टाइम लगता है फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। बनाने के लिए हमें चाहिए 1/2 kg चिकन, अच्छी तरह से वॉश किया हुआ, 2 चम्मच बटर, फ्रेंड्स इसे हम बटर में बनाएंगे, 1 बड़ा साइज़ का प्याज इस तरह से कटा हुआ, 8 लहसुन की कलियाँ, 1 चम्मच साबुत धनिया, 1 बड़ा चम्मच ब्लैक पेपर, 2 लाल मिर्च, 1/2 चम्मच हल्दी अकॉर्डिंग टू टेस्ट, सॉल्ट, थोड़े से कड़ी पत्ते और ढेर सारा धनिया का पत्ता चाहिए हमें इसके लिए फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। अब एक पैन में जितने भी हमारे खड़े मसाले थे उन सबको हम भून लेंगे। तो सबसे पहले धनिया, ब्लैक पेपर, लाल मिर्च, इन सबको हम भून लेंगे फ्रेंड्स। ज़्यादा नहीं भूनना है, बस इसकी खुशबू आने लगे इतना ही भूनना है। तो भून गया फ्रेंड्स, हम इसको एक बाउल में ले लेंगे। इसी पैन में हम लहसुन भी डाल देंगे और इसको भी थोड़ा भून लेंगे। लहसुन थोड़ा भून जाए तो हम क्या करेंगे कि प्याज को भी इसमें डाल देंगे और इसको भी थोड़ा भून लेंगे, बस इतना ही, जिससे कि इसका कच्चापन जो है वो चला जाए। फ्रेंड्स आप देख रहे हैं मैं बिना ऑयल डाले मसाले को हम भूनते ही हूँ, तो आप भी ऐसा ही करिए। इससे क्या होता है कि बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आता है फ्रेंड्स। अभी भी भून चुका है, अब हम क्या करेंगे गैस ऑफ कर देंगे और इसका एक पेस्ट बनाएंगे, लेकिन इसका बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं बनाना है, थोड़ा दरदरा रखना है हमको। अब जो हमारे सूखे मसाले हैं जिसको हमने भूना था उसका हम एक पाउडर बना लेंगे इस तरह से। अब इसी जार में हम प्याज और लहसुन को भी पीस लेंगे, इसको थोड़ा दरदरा ही पीसना है। इस तरह का पेस्ट रेडी कर लेना है फ्रेंड्स। एक पैन को गरम करेंगे और इसमें 2 चम्मच बटर डाल देंगे फ्रेंड्स। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे चिकन। इसको थोड़ा फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे, बिल्कुल थोड़ा सा फ्राई करना है। नहीं भूनना फ्रेंड्स इससे ज़्यादा नहीं है। अब हम इसके ऊपर जो हमारे भुने हुए मसाले थे उनको हम ऐड कर देंगे। बिल्कुल हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इसके ऊपर डालेंगे प्याज और लहसुन का पेस्ट और इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे। हम डालेंगे थोड़ा सा हल्दी अकॉर्डिंग टू टेस्ट, सॉल्ट, आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं फ्रेंड्स, इससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसके साथ ही हम डाल देंगे थोड़े से करी पत्ते। अब हम इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़ी देर पकाएंगे कवर करके फ्रेंड्स। फ्लेम को आप मीडियम में रखिएगा, बहुत जल्दी ये पक जाता है फ्रेंड्स और टेस्ट तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। अब हम इसको कवर करके पकाएंगे फ्रेंड्स करीब 5 मिनट। जब आप इसे कवर करके पकाएं तो फ्लेम को लो कर दें फ्रेंड्स, वरना ये नीचे से चिपक सकता है।
तो फ्रेंड्स चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। वाओ कितना सुंदर कलर दिख रहा है फ्रेंड्स, और खुशबू भी इतनी अच्छी आ रही है। चलिए इसको एक बार खिला देते हैं। जो हमारे धनिया के पत्ते थे उनका भी हम पेस्ट बना लेते हैं। ये करीब 100 ग्राम धनिया के पत्ते हैं फ्रेंड्स। धनिया का पत्ता डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि सारा फ्लेवर इसी से आता है। हम इसमें डालेंगे पिसे हुए धनिया और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके करीब 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे फ्रेंड्स। इसका कलर भी चेंज हो जाएगा थोड़ा और भी अच्छा दिखने लगेगा। इसमें डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा पानी इसको पकाने के लिए, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना हमें। ये हाफ कुक हो चुका है ऑलरेडी, बस इतना काफ़ी है। अब इसको हम कवर कर देते हैं और इसको करीब 5 मिनट तक पकाएंगे फ्रेंड्स। बीच में आप 1-2 बार हिलाते हुए रहेंगे। आइए एक बार हिला लेते हैं हम इसे। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स। हमारे बहुत ही टेस्टी चिकन बन के रेडी हो चुका है। पकने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा फ्रेंड्स, और ये काफ़ी अच्छी तरह से पक भी गया है। देखिए ये हड्डी छोड़ चुका है, इसका मतलब ये पक चुका है अच्छी तरह से। तो चलिए अब हम इसको प्लेट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखिए हमारा चिकन कितना अच्छा दिख रहा है, खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है फ्रेंड्स। तो आप लोग एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिएगा।